राजनीतिक दृष्टि से भारत की राजनीति में उनकी कमी हम सबको हमेशा खलती रहे। प्रखर वक्ता, राजनीति की गहरी समझ, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, विरोधों के बावजूद सबके साथ सामंजस्य से बैठाना, ये उनकी विशेष कला रही है। हमेशा राजनीति के विषयों के गहराई तक जाना, दूरदृष्टि रख करके उसको समझना और फिर देश के लिए क्या उचित है, पार्टी को क्या स्टैंड लेना चाहिए, इसमें उनकी अहम भूमिका रही है। हमेशा हम सब उनको याद करते हैं इस विषय की। विपक्ष के लोग भी उनकी विद्वता का, उनकी राजनीतिक स्किल का लोहा मानते रहे, लेकिन साथ ही साथ हमेशा उनको आदर के भाव से देखा। आज हमारे सभी विपक्ष के नेताओं की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सबके साथ सामंजस्य बैठ करके राजनीतिक दृष्टि से काम करना उनकी विशेष खूबी थी, जिसको हम सब लोग जानते हैं। विनोदी स्वभाव था, बड़ी सी बड़ी मुश्किलात को विनोद और सरकास्टिक अंदाज में हल करने की उनकी कला थी। पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसको बयान किया नहीं जा सकता। हम सब जानते हैं कि उनका अपना जीवन कितना कमिटेड जीवन था, पार्टी के प्रति उनकी कमिटमेंट। जब छात्र जीवन में लोग उस समय अपने करियर को तलाश रहे थे, तो वो इमरजेंसी में 19 महीने जेल, और वह भी उस समय जब ये कहा नहीं जा सकता था कि बाहर आएंगे नहीं आएंगे। एक बड़ा लुभाने वाला करियर उनके सामने खड़ा था, लेकिन देश के लिए इमरजेंसी में जेल जाना पड़ा, उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और हंसते हंसते इस काम को, इस जिम्मेवारी को निभाया। उन्होंने लाखों युवाओं को जयप्रकाश नारायण आंदोलन में प्रेरित किया। हम सब लोग स्कूल के छात्र थे, लेकिन उनकी प्रेरणा से हमेशा आंदोलित होते रहे, उद्वेलित होते रहे और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हुए। लेकिन इमरजेंसी के तुरंत बाद हम सबको शायद याद नहीं होगा, उनको जनता पार्टी के एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य बनाया गया था। और सन 77 में जनता पार्टी के एग्जीक्यूटिव का सदस्य बनाने का मतलब हम समझ सकते हैं, 26-27 साल की उम्र रही होगी, और ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिले। संगठन ने कहा नहीं, अभी तुम्हारे राजनीति में नहीं जाना है, तुमने विद्यार्थियों में काम करना है। उन्होंने उसी पल इस्तीफा देकर छात्र जीवन की राजनीति में लोगों को प्रेरणा दी, यह उनका कमिटमेंट था। बाद में राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा बना, हम सब लोगों को उनसे जानने का मौका मिला, प्रेरणा मिली, दृष्टि मिली, दिशा मिली और उस पर हम सब लोगों ने काम किया। पार्टी के दृष्टि से क्षति हम इसलिए हमेशा बार बार ध्यान में आता है क्योंकि जटिल से जटिल समस्याओं को भी लेकर के जब हम जाते थे और हम उनसे बातचीत करने के लिए कोई आधा घंटा का समय रख करके जाते थे कि यह समस्या बड़ी जटिल है, 5 मिनट के अंदर उसको सुलझा कर देते थे और बोलते थे नड्डा व्हाट नेक्स्ट, इट्स ओवर। तो इस तरीके से सरलता से सारी चीजों को सुलझाना उनकी कला थी, उनकी महारत थी, सबको साथ लेकर के चलने की। असमय वो हम सबको छोड़ करके गए हैं, उनकी कमी हम सबको सदा सदा खलती रहेगी और उनका जो दिशा हमको मिलती थी उससे हम सब लोग हमेशा वंचित रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता समर्थक आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं उनकी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर अपने चरणों में उनको जगह दे और परिवार को, और यह परिवार सिर्फ भाभी जी का, सोनाली का, रोहन का नहीं, ये परिवार जो करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े हैं, सबको शक्ति दे कि इस दुख को सह सके और उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी अपनी भावांजलि अर्पित करें। आदरणीय
प्रधानमंत्री जी, भाभी जी, परिवार के सभी सदस्यगण, आज हम सब लोग अरुण भाई के को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अरुण भाई के साथ में बहुत काम करने का मौका मिला। 1974 में जब जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ था, उस समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे, फिर इमरजेंसी में जेल गए, फिर उसके बाद सरकार बनी। 1989 में मैं पहली बार उनके यहाँ गया था, उस समय मैं बीपी सिंह की सरकार थी और मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, और उस समय मैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल बने थे 37 साल की उम्र में, और मैं इतना प्रभावित हुआ था, कह नहीं सकता हूँ। नौजवानों के बीच में इतना प्रिय थे कि कितना गौर से एक बार मैं पहली बार, अभी भी चिराग जो है रखे हुए है, चिराग पासवान अपना कहता था कि ट्विटर पर लिखेंगे, पहली बार पार्लियामेंट में बोला और उसके बाद उन्होंने स्लिप भेज दिया, बहुत अच्छा बोले हो, बहुत आगे बढ़ोगे, बढ़ते रहो। उसके बाद वो इतना प्रभावित हुआ कि कुछ उसके दिमाग में जो है राजनीति के अलावे नहीं घुसता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उस शपथ ग्रहण समारोह में हम भी थे, उनके साथ में भाभी भी थी, गए थे वहाँ। और उसके बाद संसद के भीतर बाहर, पार्लियामेंट जो कैबिनेट है उसके भीतर बाहर, मतलब हम लोगों को एक लगता था, उम्र में भले छोटे थे लेकिन जो एक मार्गदर्शक का काम होता था, कभी हमने उनके चेहरे पर जो टेंशन नहीं देखा। बड़ी सी बड़ी जो जो मंत्रालय उनको मिला वो पब्लिक से बहुत दूर का था। वित्त मंत्रालय हमेशा कैंची का काम करता है, लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन निरस चीज को भी सरस बनाना और बिल्कुल सरल भाषा में उनको समझा देना, वो क्या उनका क्या कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो गुण था। हम लोग एलाइज पार्टी के लोग हैं, स्वाभाविक होता है, कभी कभी चलता है। एक बार हमारे सामने में भी मामला आया, अध्यक्ष जी के पास में गए, अब अध्यक्ष जी से हम लोग क्या कहें, तो हमने देखा चल रहा बातचीत, तो हमने अध्यक्ष जी कहा, अध्यक्ष जी अरुण भाई बैठे हुए हैं, आप छोड़ दीजिए इनके ऊपर में। उसके बाद छोड़ दिए, फिर उन्होंने बुला लिया अपने ऑफिस में और उन्होंने जो अभी कहा बहुत अच्छी बात कही, उनका छोले भटूरे बहुत ही प्यारा चीज था, वो हमेशा उसी को जो है बुलाते थे, खिलाते थे, वहाँ गए जमा करके रखे हुए थे, कुछ नहीं बातचीत किए। बोले चिराग क्या मामला है, तो बोले अंकल कुछ नहीं, इससे बोले ठीक है खाना खाओ, खा करके बोले कि चलो हो गया। हमने बिल्कुल 3 मिनट के अंदर में, हम लोगों को कुछ होता था डर के मारे, प्रधानमंत्री जी से हम लोग साफ साफ किया करते हैं कि जो है कभी कभी जो है वो श्रद्धा बस नहीं कह पाते हैं, कहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनके सामने में खुल करके, जितने जीओएम होते थे अधिकांश जीओएम में वो उसके क्या चेयरमैन होते थे, और खुल करके, क्योंकि अपने लॉ के एक्सपर्ट थे, जिन्होंने कहा कोई ऐसा गुण नहीं था, जो गुण उसमें क्या कहते बहुमुखी कहिए या सर्वमुखी कहिए, जो प्रतिभा के क्या कहते हैं कि वो संपन्न थे, और हमेशा हंसता हुआ, अभी भी चेहरा हंसता हुआ है, लगता ही नहीं है कि हम लोगों के बीच से क्या कहते हैं गए हैं, लेकिन काल का गाल निष्ठुर होता है, हम लोगों के बीच में क्या कहते हैं वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो देश को दिया है और उनके समय में जो भी कठिन से कठिन जो कानून पास हुए हैं, और हंसते हुए जो है उस कानून को जो है मुस्कुराते हुए जो है निकाल लेना, ये कोई बिरले ही क्या कहते हैं कर सकता है। अडवाणी साहब हैं हम लोगों के सबसे वरिष्ठ नेता, क्या कहते हैं कि यहाँ क्या कहते हैं कि मौजूद हैं, सब लोगों का क्या कहते हैं कि जो है प्यार स्नेह उन्होंने लिया, और हम अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भारत सरकार की के मंत्री के हैसियत से हम अरुण भाई के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। अरुण भाई आप जहां हैं, जिस जहां कहीं भी हों आप खुश रहें,
और ईश्वर उनके परिवार के लोगों को इतनी हिम्मत दे कि दुख के बेला को जो है वो सहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन है कि वह श्रद्धांजलि दें शब्दों के माध्यम से। आज अरुण जी के असमय विदाई से शोक संतप्त सभी लोग यहां श्रद्धांजलि देने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। श्री अरुण जी के असमय जाने से देश की संसद, भारतीय जनता पार्टी, श्री अरुण जी का परिवार और मेरी निजी क्षति भी बहुत बड़ी हुई है। यह पूर्णीय क्षति है और ये जो रिक्तता सार्वजनिक जीवन में अरुण जी के जाने से खड़ी हुई है, लंबे समय तक इसका भर पाना नामुमकिन है। श्री अरुण जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सार्वजनिक जीवन के, समाज जीवन के कई सारे क्षेत्रों में उनका दखल भी रहता था, इनकी स्वीकृति भी रहती थी और वो समय समय पर मार्गदर्शन भी करते थे। चाहे देश का न्याय का क्षेत्र हो, कई सारे अहम मुद्दों पर उनकी धारदार दलीलों ने न्यायालय को उचित फैसले करने के लिए मजबूर भी किया, सहायता भी करी। खेल जगत के न केवल क्रिकेट, कई सारे खेलों को क्रिकेट के माध्यम से, बीसीसीआई के माध्यम से मदद रूप होना, खेल संगठन सुचारू रूप से चले, इसके लिए इसके संविधान के अंदर समय समय पर संशोधन कराना, मार्गदर्शन करना और खेल संगठनों के अंदर शुचिता स्थापित हो, इसके लिए आग्रह के साथ खेल संगठनों के जो पदाधिकारी थे उनके साथ चर्चाएं करना, जो खेल संगठन से जुड़े लोग हैं उनको मालूम है अरुण जी का कितना आग्रह रहता था। राजनीति के अंदर भी अपनी बारे में सोचे बगैर अपनी विचारधारा और पार्टी के बारे में सोचते हुए कैसे कोई व्यक्ति अंतिम सांस तक काम कर सकता है, उसका अरुण जी उत्कृष्ट उदाहरण है। संसद के अंदर एक जागरूक सांसद, एक ओजस्वी वक्ता और देश के हित के मुद्दों को पार्टी लाइन से ऊपर उठाकर कैसे देश के मुद्दे बना सकते हैं, इसका उदाहरण अरुण जी ने हम सबके सामने रखा है। सार्वजनिक जीवन में पार्टी लाइन को क्रॉस करते हुए ढेर सारे लोगों से मित्रता के संबंध बनाना ये उनकी विशेषता थी। अपने से आयु में बड़े लोगों को, अपने हम उम्र को और अपने से छोटी उम्र के सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोस्त बनाने की कला अरुण जी को हस्तगत थी। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मेरे जीवन में कठिन से कठिन समय जब आया, मैं दिल्ली आया, कभी मुझे नहीं लगा कि मैं मेरा प्रदेश छोड़कर आया हूं, मेरा घर छोड़कर आया हूं। इसका कोई एक कारण था तो श्री अरुण जेटली थे। हमेशा मेरे साथ एक बड़े भाई की तरह खड़े रहे, चट्टान की तरह खड़े रहे, चाहे पार्टी के अंदर बात करनी हो, चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी हो, चाहे मेरे संबल को टकाने का मामला हो। कई बार जब टूटने की कगार पर जाते थे वो हौसला बढ़ाते थे और वो लड़ाई मैं सफलता पूर्वक बाहर आया, तो इसमें अरुण जी का बहुत बड़ा हिस्सा था। मंत्री नाते अटल जी के मंत्रिमंडल में और बाद में श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने एक सफल मंत्री नाते कई सारे काम किए। मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
दुनिया का सबसे बड़ा सेल्स टैक्स रिफॉर्म, बिक्री कर का सुधार करने का काम जीएसटी के रूप में अरुण जी ने करा, और वो उनकी ही काम करने की पद्धति के कारण हुआ कि इतने सारे रिजोल्यूशन हुए, एक भी रिजोल्यूशन में वोटिंग नहीं हुआ, सब पार्टियों ने सर्वानुमत से जीएसटी को देश के सामने रखने का काम किया। सबको साथ में लेने की उनकी जो कला थी, वो कला का ही परिणाम था कि जीएसटी पार्टी के लाइनों में नहीं फंसा, पार्टी के पचोड़ों में नहीं फंसा। अंत में जब लोकसभा राज्यसभा में धारा 370 समाप्त की गई, तब अरुण जी से मेरी बात हुई थी, शाम को प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से बात हुई थी, उनकी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, मैं वहां पहुंचा, मेरी भी बात हुई। उनके आवाज में, उनके उत्साह में, जो आवाज से उत्साह का परिचय मिलता था, लगता नहीं था कि कोई व्यक्ति बीमार है। इतना लगाव विचारधारा के साथ, देश के मसलों के साथ उनका जुड़ाव रहा। आज अरुण जी नहीं है, अरुण जी के परिवार के सभी सदस्य यहां बैठे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है ही, बहुत बड़ा आघात है, मगर हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बहुत बड़ा आघात है, पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ा आघात है, और देश के सार्वजनिक जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवारजनों को और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को ये आघात सहन करने की क्षमता दे, और श्री अरुण जेटली जो चिरकाल तक देश के सार्वजनिक जीवन को प्रेरणा भी देते रहेंगे, स्मरण में भी रहेंगे, श्री अरुण जेटली को मैं हृदय से श्रद्धांजलि देकर उनके आत्मा की शांति के लिए प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। ओम शांति शांति शांति। समय की मर्यादा है, इसलिए मैं कई पार्टियों के नेतागण हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि आपको बुलाने के लिए नहीं आग्रह कर रहा हूं। आरपीआई के रामदास अठावले जी हैं, आपसे श्रद्धांजलि आपने दिया है। अपना दल की नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता श्रीमान एनडी गुप्ता जी हैं, आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूं कि आप सबको नहीं बुला पा रहा हूं समय के मर्यादा के कारण। अब मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वह श्रद्धांजलि शब्दों के माध्यम से दें। अरुण जी का मेरा नजदीकी परिचय पहले 80 के दशक में हुआ था। जैसा उनका सुदर्शन व्यक्तित्व था, विलक्षण व्यक्तित्व था, जो भी उनसे मिलता था स्वाभाविक रूप से उनका कायल बन जाता था। हमारी भी उस समय जब मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय महासचिव यहां पर हुआ करता था, उस समय उनके साथ एक विषय पर लगभग आधे घंटे तक की हमारी चर्चा हुई। उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का स्वाभाविक है, जैसे अन्य लोग कायल हो जाते थे, वैसे मैं भी उनकी इन सब सारे गुणों का मैं कायल हो गया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में हम लोगों ने साथ ही शपथ ग्रहण किया था, और मुझे एक विशेष घटना जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा कि वह कॉमर्स मिनिस्टर थे, कैनकुन में WTO टॉक होने वाली थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की टॉक होने वाली थी, उसमें अरुण जी को जाना था। कुछ प्रमुख लोगों की बैठक, जिसमें कुछ अधिकारी भी थे, वह बैठक मेरे ही आवास पर आयोजित हुई थी। उसमें एक मित्र ने, उनके नाम की चर्चा यहां नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि फार्मर सब्सिडी को लेकर वहां पर चर्चा होने वाली है, और फार्मर सब्सिडी के मुद्दे पर भारत के पक्ष को वहां रखना है। तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अरुण जी, आपकी तो प्रो कॉर्पोरेट इमेज है,
तो अरुण जी ने उसको मुस्कुराकर टाल दिया। लेकिन आप में से बहुत को इस बात की जानकारी होगी कि कैनकुन के डब्ल्यू टाक से जब वो लौटे थे और उस डब्ल्यू टाक के दौरान जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई थी, जिस अपनी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता का परिचय दिया था, मैं साक्षी हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी और सर्वत्र इस बात की चर्चा रही। यानी पूरी चर्चा को ही फार्मर सब्सिडी के इश्यू को लेकर भारत के पक्ष में मोड़ने का श्रेय यदि उस समय किसी को जाता था तो अरुण जी को जाता। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जब मैं दायित्व निर्वहन कर रहा था, उस समय भी हम सब साथ थे। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव सेट करने का जब भी प्रश्न खड़ा होता था, स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान अरुण जी की तरफ जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नैरेटिव सेट करने का काम यदि कोई करता था तो अरुण जी करते थे। एक समय वह भी था 80 का दशक, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इंटेलेक्चुअल्स में कुछ एक अजीबोगरीब धारणा थी। प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मानते थे, प्रगतिशील राजनीतिक दल नहीं, बल्कि यह मानते कुछ रूढ़िवादी इनकी विचारधारा है, एक धारणा यह बनी हुई थी। और मैं यह कहना चाहूंगा कि सचमुच इंटेलेक्चुअल्स के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर नैरेटिव चेंज करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो अरुण जी की रही, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। और मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ही केवल क्षति नहीं हुई है उनके हमारे बीच न रहने के कारण, बल्कि मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति में खालीपन आ गया। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग यह महसूस करते हैं, उनकी योग्यता क्षमता के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, मैं समझता हूं उसमें बहुत विस्तार में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, राजनीतिक क्षितिज कहूं अथवा भारत के क्षितिज पर कहूं, क्या कहूं यह मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रहा हूं, कि अरुण जी नहीं है फिर भी वह क्षितिज पर सितारे के रूप में चमकते रहेंगे। आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं और साथ ही अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इस श्रद्धांजलि सभा में भारत सरकार के मंत्रीगण हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी गण भी है और कई अति विशिष्ट जन यहां पे हैं जिनको मैं देख रहा हूं। पार्टी कार्यालय के अंतर लगातार श्रद्धांजलि के स्वरूप में पत्र आ रहे हैं और आप सभी का भी अगर पत्र होगा तो उसको मैं संकलित करके अवश्य उसकी पुस्तक निकालेंगे। आप सबका पार्टी की ओर से और परिवार की ओर से भी, माननीय अरुण जेटली जी के धनपत्नी संगीता जेटली जी की ओर से और उनकी लड़की सोनाली जेटली जी की ओर से, रोहन जेटली जी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। अब हम सबके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि वह आए और श्रद्धेय अरुण जेटली जी को भावभरी श्रद्धांजलि दें। शोक संतप्त सभी स्वजन, कभी जीवन में सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मुझे मेरे छोटे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। इतने लंबे कालखंड तक घनिष्ठ मित्रता और उसके अंतिम दर्शन मैं नहीं कर पाया। मेरे मन पर इसका बोझ हमेशा बना रहेगा।
वे सर्व मित्र थे, वे सर्व प्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे वे हमेशा उपयोगी होते थे। पिछले दिनों उनके लिए जो लिखा गया है, उनके लिए जो कहा गया है और अभी भी अनेक महानुभावों ने जिस प्रकार से अपनी स्मृतियों को यहां ताजा किया है, इस सबसे हम अनुभव कर सकते हैं कि ये व्यक्तित्व कितना विशाल था, कितनी विविधताओं से भरा हुआ था। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी, शायद उसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता हूं। वे बीमार थे और उनकी बीमारी कोई आज की नहीं थी, बहुत छोटी आयु में डायबिटीज से लेकर के वो कई समस्याओं से जूझते रहे, लेकिन आखिरी दिन तक अगर आप सामने से पूछने की कोशिश करें तो भी वे न अपनी बात बताने के लिए समय बर्बाद करते थे, न ही स्वास्थ्य के लिए कुछ बताते थे। वो जब भी बात करते थे देश में क्या चल रहा है, आगे क्या होने की संभावना है, हम लोगों को कैसे करना चाहिए, यानी मन मस्तिष्क पूरी तरह देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए रम गया था। उसी में वो रममाण थे, उसी में वो खोए हुए थे और शायद यही उनकी ऊर्जा थी, यही उनका सामर्थ्य था। आमतौर पर जो पहली बार उनका कोई क्लाइंट उनके पास जाता था तो बड़ा निराश होकर के आता था, उसको लगता था कि मुझे इनके पास कहां भेज दिया। जब मैं उनको मेरा केस बता रहा था वो तो टीवी देख रहे थे, जब मैं अपनी समस्या समझा रहा था तो खाने का ऑर्डर कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात तो सुनी नहीं, कल पता नहीं कोर्ट में मेरा क्या होगा। यानी एक प्रकार से उस मुलाकात में वो निराश होकर के जाता था, लेकिन जब कोर्ट के अंदर वो उनको सुनता था तो उसको आश्चर्य होता था कि इस व्यक्ति के पास वो कौन सी प्रतिभा है कि मैंने मुश्किल से दो चार वाक्य मेरे कहे लेकिन उसने मुझे पूरा पढ़ लिया, मेरी समस्या को जान लिया और कानूनी युद्ध के लिए अपने आप को खड़ा कर दिया और वो केस जीत गए। ऐसे आपको अनेक घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी, कैबिनेट में भी मैं हमेशा एक कमी महसूस करूंगा क्योंकि इनके पास
हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास की, शासन व्यवस्था की एक प्रकार से मेमोरी का डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया पूरी तरह भरा पड़ा था। और इसलिए कोई भी विचार हमारे सामने आता है तो बड़ी आराम से कहते हैं, देखो उस समय ऐसा हुआ था, इसके पीछे ये बैकग्राउंड है। और सही निर्णय करने में इस प्रकार की पुरानी घटनाओं के मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है, निर्णय के तरीकों का उस पर प्रभाव होता है। और अरुण जी का यह सामर्थ्य मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन के लिए एक अनमोल अनमोल रत्न था। जीवन इतना विविधताओं से भरा हुआ था, दुनिया की कोई भी लेटेस्ट चीज की बात निकालिए वो पूरा कच्चा चिट्ठा उसका खोल देते थे, इतनी जानकारियां रखते थे। उनका एक स्वभाव था हर चीज को पकड़ लेना, और वो वन लाइनर के लिए तो जाने जाते थे, हर बात को वन लाइनर से अपना वो पूरी तरह प्रस्तुत कर देते थे। मीडिया वालों के बहुत प्रिय थे वो, क्योंकि उनको जो चीज को पाने के लिए 8-10 घंटे मेहनत करनी पड़े, अरुण जी को मिलने तो 8-10 मिनट में मिल जाती थी कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। और आप अगर ये सोचते हैं तो गलत है, ये सोचोगे तो ठीक हो। और 22 लाख वो मीडिया वालों के भी एक बार मददगार हुआ करते थे, यानी ऐसा प्रतिभा का धनी उसको हमने खोया है। मेरे जीवन में हम सब करके बता रहे दोस्त, और सचमुच में एक दोस्त के रूप में उसके साथ जीने का अवसर मिला। वे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों में से थे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अगर वर्किंग कमेटी है तो जिस शहर में भी हो 5-स्टार होटल में रहना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। और हमारी पार्टी में ऐसा नियम भी नहीं था कि आप अपनी व्यवस्था से नहीं रह सकते थे, लेकिन अरुण जी ने कभी भी पार्टी व्यवस्था के बाहर रहे नहीं। और हम लोग करीब पिछले 30-35 साल हर वर्किंग कमेटी में एक ही कमरे में रहते थे दोनों, और वे जो व्यवस्था पार्टी ने दी हो, कमरे में एसी हो न हो, व्यवस्था हो न हो, वो वहीं पर हम साथ रहते थे। जबकि वो सब चीज अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन पार्टी संगठन के साथ जीने के लिए मुझे भी अपने आप को ढालना चाहिए, एक कार्यकर्ता के लिए जो अपेक्षाएं होती हैं वो जी करके दिखाते थे। मुझे बराबर याद है जब अटल जी भी थे तब भी किसी चीज का ड्राफ्टिंग होता था तो या तो अडवाणी जी उसको हाथ लगाते थे या तो अरुण जेटली हाथ लगाते थे, और शब्दों को सही करने का काम, सही समय पर सही शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल करने का काम इतनी बखूबी वो निभाते थे। ये अपनी विविधता विशेषताएं एक अपने आप में वैल्यूएशन करते थे। सार्वजनिक जीवन में ऐसे व्यक्तित्वों का होना, ऐसी प्रतिभाओं का होना, और ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ पा सकता है, जिसको हम लौकिक दुनिया की चीजें कहते हैं बहुत कुछ पा सकता है। लेकिन उन्होंने अपने इस सारे सामर्थ्य को, सारी प्रतिभा को, सारे व्यक्तित्व को, सारी विविधताओं को, सारे अनुभव को, सारे सपनों को सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम आए इसी एक सपने को लेकर के जीते रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक प्रकार से छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा था, छात्र राजनीति की नर्सरी में पैदा हुआ पौधा हिंदुस्तान के राजनीति के विशाल फलक में एक वटवृक्ष बनकर के उभर आए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। स्वप्रयत्न से स्व अनुशासन से प्रतिभा को एक निश्चित दिशा में ढाल करके और उनको जहां जो भी काम मिला हर काम में उन्होंने वैल्यूएशन की,
हर काम में उन्होंने एक नई ऊर्जा दी, हर काम में उन्होंने एक नई सोच दी। ऐसे मेरे साथी को मैंने खोया है, ये परिवार तो हमारा ही है, हम सब ने कुछ न कुछ खोया है। अरुण जी की उत्तम स्मृतियों को याद रखते हुए जिस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग देश के लिए किया, समाज की समस्याओं के सुलझाने के लिए किया, हम सभी उसी से प्रेरणा लेते हुए कुछ न कुछ देश के लिए, समाज के लिए करके अरुण जी को उत्तम श्रद्धांजलि देने के एक भी अवसर को खोने नहीं देंगे। उनका परिवार भी उन्हीं के छत्रछाया में बड़ा हुआ है, इसलिए उनके परिवार में भी एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है, क्योंकि मैं बहुत निकट से जानता हूं। और ये भी एक सद्भाग्य का है कि ऐसा सामर्थ्यवान परिवार उनको वो छोड़ के गए हैं, लेकिन वो परिवार भी सामर्थ्यवान होने के कारण हम सभी उनके परिवारजन एक प्रकार के निश्चिंतता भी अनुभव करते हैं। लेकिन अरुण जी की कमी हर कोई महसूस करेगा। हम सब उनका पुण्य स्मरण करते हुए सद्भावना के साथ, सत्कार्य के साथ जुड़ करके सच्ची श्रद्धांजलि देते रहें, इसी कामना के साथ मैं आदरपूर्वक जो बात कभी मेरे मन में मेरे लिए वो शब्द निकालना बड़ा मुश्किल है कि अपने दोस्त को मैं आज आदरपूर्वक अंजलि दे रहा हूं। कभी किसी की जिंदगी में ऐसे पल नहीं आने चाहिए, किसी की जिंदगी में नहीं आने चाहिए, लेकिन शायद ईश्वर ने कुछ निर्धारित किया है। मेरा दुर्भाग्य है कि आज मेरे नसीब में एक अच्छे पुराने दोस्त और उम्र में छोटे, उसको श्रद्धांजलि देने की नौबत आई। मैं आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। ओम शांति शांति शांति। परिवारजन के सदस्य, जो मीडिया के लोग हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी की ओर से मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पे खड़े होकर के दो मिनट के लिए मौन होकर के श्रद्धांजलि दें, और उसके बाद शांति पाठ करके अपने अपने स्थान पे जाएंगे। सभा समाप्त होगी। ओम।